हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड, जमना हाथ की अंजलि में जल लीजिए एक चम्मच। ऐसे एक चम्मच जल लेंगे जमना हाथ में, राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में, जिमना हाथ में। और मंत्रोच्चारण के बाद हम इस जल को, हथेली को नाली नुमा बनाते हुए इस जल का पान करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। और आच, इसको कहते हैं आचमन। आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाना है, फिर वापस लाएंगे, दोबारा जल लेंगे। ऐसे तीन बार हम मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करेंगे। आइए, ओम अमृतोपस्तरणमसी स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे, ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे, ओम सत्यम यशः श्रीर्मै श्रीः श्रयताम् स्वाहा। अब छोटी सी प्लेट आपके पास होगी, उसके अंदर एक चम्मच जल लेकर के हाथ को धो लेंगे, अवशिष्ट जल को उसमें डाल देंगे। हाथ को धो लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में एक चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक इंद्रिय का मंत्रोच्चारण पूर्वक स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामे सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने दोहराई। इसके बाद आइए सभी लोग सीधे बैठ करके, हाथ जोड़ करके, पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के
हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वेद के 8 विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविदेम। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत कस्मै देवाय हविषाविदेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविदेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाविदेम। ॐ प्रजा आपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरईणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ॐ भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलित करके जिनके पास माचिस बॉक्स हो अपने आसपास वाले भाई बहनों को दे दे, और तिल्ली को दीपक प्रदीप्त करके स्टील की थाली के अंदर डालेंगे, नीचे नहीं रखेंगे। स्टील की थाली है ना नीचे हवन कुंड के नीचे, माचिस की तिल्ली दीप प्रदीप्त करने के बाद उसी के अंदर रख लेंगे। सबका दीपक प्रदीप्त हो गया। दीपक प्रदीप्त होने के बाद जो लंबी दंडी वाला चम्मच है ना आपके पास, उसको कहते हैं श्रुवा। क्या कहते हैं? उसको हाथ में लीजिए और उसके अग्र भाग में 2 या 3 टिक्किया कपूर की उसमें रगा दीजिए। और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में हवन कुंड के बीच में इस प्रदीप्त कपूर को स्थापित कर देंगे। ॐ भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवी एव वरिम्ना
तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायाद दे। हवन कुंड के बीच में जो हमने कपूर रखा था और बाती रखी थी उसके ऊपर उस प्रदीप्त कपूर को रख दीजिए, अग्नियाधान कर दीजिए। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान जो हमने बाहर चार संविधा रखी उसमें से एक संविधा को हवन कुंड के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे कि वो जो प्रदीप्त अग्नि है वो अग्नि की लो सीधी इसको टच हो, ऐसे एक संविधा रखेंगे और उसके ऊपर दो तीन गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। अब जो हमारे पास ये नीचे से उठ रही लो सीधी उसको टच हो इस प्रकार से आपने लगा दिया। अब जो तीन संविधाएं हमने रखी ना उसमें से एक संविधा को लीजिए, दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़िए और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ जैसे पहले हमने चार लकड़ी लगाई थी ना, दो आड़ी है तो उसके ऊपर दो खड़ी, ऐसे चार लगाई थी ना, फिर आगे भी हम लगाएंगे तो उसके ऊपर ऐसे आड़ी ही लगाएंगे, बीच में खाली रखने देंगे, अग्नि अच्छे से बाहर निकल पाए ऐसे जगह रखते हुए संविधा का आधान करेंगे। अब दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, एक कुंड के ऊपर एक संविधा। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी संविधा लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय सोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। तीसरी संविधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसी बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब एक संविधा आपके पास बची ना उसको भी पास में साइड में ऐसे लगा दीजिए, दो लास्ट में दो संविधा ऐसे आ जाए ऐसे कर दीजिए बस। अब पांच एक ही मंत्र का पांच बार हम उच्चारण करते हुए पांच बार गाय के घी की आहुति हम प्रदान करेंगे और गाय का घी की जब हम आहुति प्रदान करेंगे तो उसको एक स्थान पे नहीं डालेंगे, अलग अलग जगहों पे, कि अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। जो बीच में हमने रुई रखी थी ना बाती, उस रुई के ऊपर बाती के ऊपर आप विशेष रूप से घी डालने का प्रयास करें तो वो नीचे से अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होगी तो पूरी अग्नि संविधाओं को लग पाएगी। तो आइए ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदन्नम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नम अब शुरू को छोड़ दीजिए। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। आपके पास जो कलश है उसको जो यजमान है मुख्य वो अपने दाएं हाथ की अंजलि में कलश लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और सबसे पहले वेदी की पूर्व दिशा हवन कुंड की जो पूर्व दिशा है उस दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल धारा करते हुए हम प्रथम जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व अब दूसरी बार जल लीजिए और वेदी के पश्चिम दिशा में जल सिंचन करेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमते अनुमन्यस्व अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व अब चौथी बार जल लेंगे और परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपो के तम न पुना तु वाचस्पतिर्वाचन न स्वदतु अब जल प्रोक्षण करने के पश्चात अब चार गाय के घी की हम विशेष रूप से आहुति प्रदान करेंगे। अब शुरू को अपने हाथ में ले लीजिए ये लंबी दंडी वाला चम्मच जो होता है ना उसको शुरुआ बोलते हैं और मध्यमा अंगुष्ठ के माध्यम से पकड़ते और प्रथम उंगली को ऐसे सीधा करते ऐसे इसको पकड़ने का तरीका होता है प्रथम उंगली को नहीं लगाते ऐसे। अब हवन कुंड में जो प्रदीप्त समिधा है उसमें सबसे पहली जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर और दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए दो आहुति और दो हवन कुंड के बीच में ऐसे चार गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नम ओम
इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमामा। अब आपके पास जो जड़ी बूटियां रखी है ना, अब एक व्यक्ति तो गाय के घी की आहुति देंगे, बाकी लोग ये जो जड़ी बूटियां हैं मध्यमा अनामिका और अंगूठ, राइट हैंड जमना हाथ की मध्यमा अनामिका और अंगूठ, तीन उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेंगे। जब हम मंत्र का उच्चारण कर लेंगे उसके अंत में जब स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ समर्पण मुद्रा में ऐसे आहुति देंगे। ऐसे देखिए, ऐसे उल्टे हाथ से नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से देंगे। आइए अब गाय के घी की आहुतियों के साथ साथ जड़ी बूटियों की भी हम विशेष रूप से आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसिन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवी सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पासा पैरालाइज हो गया था, मेरा लड़का यहाँ पे ले आया, तो हम उस समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था, जहाँ हम कुछ नहीं पढ़ सकता, बात नहीं बोला, नींद नहीं आता था, तो हम इधर उधर घूमता था। गुरु जी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था, तो गुरु जी हमको हम गुरु जी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलना फिरना नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरु जी क्या करेगा, आपके हेमिस में होगा, गुरु जी बोले जरूर होगा, हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा उस टाइम में, हम 7 दिन में हम बहुत बोकार मिला, हम नींद हो न सकता, उन्हें हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था, कभी कभी गर्मियों की सीजन में उसको कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत जोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था, तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोगों को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, इसमें मेडिसिन ये मेडिसिन से वो मेडिसिन अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की, बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई, कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी, उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था, यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा, और उसको जो पेन होता था बॉडी पेन होता था वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी
अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है, अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था, खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।